हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रेशू और मैं आपका स्वागत करती हूं अपने चैनल कुकिंग विद रेशू में। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ ही में बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें जिससे कि जब भी मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूंगी तो आप उसे सबसे पहले देख पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी को। ब्राउनी बनाने के लिए लेनी है मैदा 1 कप, पिसी हुई चीनी 1 कप, डार्क चॉकलेट 1 कप जिसे मैंने पीसेस में कट कर लिया है, आप कोई भी चॉकलेट ले सकते हैं, कोकोआ पाउडर 1/2 कप। कोकोआ पाउडर डालने से ब्राउनी का कलर और टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अगर आपके पास डार्क चॉकलेट नहीं है तो आप 1 कप कोकोआ पाउडर और 1 कप कंडेंस्ड मिल्क का यूज़ कर सकते हैं। दही 2 से 3 बड़े चम्मच, बेकिंग पाउडर 1 छोटी चम्मच, बेकिंग सोडा 1/4 छोटी चम्मच, और ज़रूरत के अकॉर्डिंग दूध का यूज़ करेंगे। 100 ग्राम बटर लिया है मैंने, अमूल बटर लिया है सॉल्टेड। सबसे पहले जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं उनको छलनी की हेल्प से छान लेंगे। ये डाला है मैंने मैदा, कोकोआ पाउडर डालेंगे, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा भी डाल देंगे इसमें, शुगर पाउडर हम बाद में ऐड करेंगे, अभी इन चारों को अच्छे से छान लेंगे। छानने के बाद सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक बड़ा बाउल लेकर इसमें डालेंगे डार्क चॉकलेट, बटर डाल देंगे, बटर को गर्म कर लिया है मैंने अच्छे से। ध्यान रखें बटर को ज़्यादा बॉयल नहीं करना है, जब अच्छे से गर्म हो जाएगा इसको डार्क चॉकलेट में डाल देंगे जिससे कि डार्क चॉकलेट जो है वो अच्छे से मेल्ट हो जाएगी। आप चाहें तो डार्क चॉकलेट को डबल बॉयलर मेथड से या फिर माइक्रोवेव में भी मेल्ट कर सकते हैं। मिक्स करेंगे और अच्छे से मेल्ट होने देंगे चॉकलेट को। जैसे कि मैंने कहा कि अगर आपके पास डार्क चॉकलेट नहीं है तो आप कोकोआ पाउडर के अमाउंट को बढ़ा दें और 1 कप कंडेंस्ड मिल्क और ऐड कर दें इसमें, उससे भी टेस्ट अच्छा आता है ब्राउनी का। चॉकलेट बिल्कुल अच्छे से मेल्ट हो गई है तो इसमें डालेंगे अब शुगर पाउडर, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे, एक साथ में पूरा ऐड नहीं करेंगे। ये थोड़ा डालकर मैं पहले इसे मिक्स करूँगी। अभी जो बचा हुआ शुगर पाउडर है उसे भी डाल देंगे इसमें और मिक्स कर लेंगे अच्छे से। इस मिक्सचर को मैंने लगभग 2 से 3 मिनट तक अच्छे से फेंट लिया है, तो अब इसमें डालेंगे दही। ये 2 बड़े चम्मच दही डालूंगी मैं, और इसमें मैं डाल रही हूँ 1 छोटी चम्मच वनीला एसेंस, जो कि ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे इनको। अब इसमें डालेंगे जो हमने छान कर रखे हुए हैं ड्राई इंग्रेडिएंट्स, उनको एक साथ पूरा मिक्सचर नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे और मिक्स करते जाएंगे। ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करने के बाद अभी जो बैटर है वो थिक है तो इसमें ज़रूरत के अकॉर्डिंग दूध डालेंगे, दूध एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालना है। अभी ब्राउनी का बैटर बिल्कुल परफेक्ट है, इसी तरह की कंसिस्टेंसी रखनी है बैटर की। ब्राउनी का बैटर तैयार करने से पहले आप ध्यान रखें कि माइक्रोवेव अवन को 180 डिग्री सेल्सियस पर प्रीहीट जरूर कर लें 10 मिनट के लिए। बैटर को डालेंगे किसी भी माइक्रोवेव सेफ बेकिंग डिश में, या फिर आप केक टिन भी ले सकते हैं इसके लिए। इसमें मैंने पहले से ही बटर पेपर लगा कर रखा है, ये मैंने यूज़ किया है फेमोरा का बेकिंग डिश, जो कि माइक्रोवेव अवन सेफ के साथ साथ डिशवॉशर सेफ भी है, और ये आपके खाने को हेल्दी और हाइजीनिक रखता है। और ये प्रोडक्ट्स के लिंक आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बैटर को मैंने इवनली स्प्रेड कर दिया है, इसे माइक्रोवेव में रख देंगे और इसे कन्वेक्शन मोड पर 180 डिग्री सेल्सियस पर लगभग 15 से 20 मिनट के लिए बेक करेंगे। अभी मैंने टाइमर सेट कर दिया है इसमें लगभग 20 मिनट का, और बीच बीच में चेक करते रहेंगे कि जो हमारी ब्राउनी है वो तैयार हुई है या नहीं। और अगर आप देखना चाहते हैं बिना माइक्रोवेव के ब्राउनी बनाने का तरीका तो आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ब्राउनी को बेक होते हुए अभी 15 मिनट हुए हैं, तो 15 मिनट बाद मैं इसे चेक कर रही हूँ एक टूथपिक की हेल्प से।
ब्राउनी में टूथपिक डालने के बाद जो टूथपिक है वो बिल्कुल साफ निकल रही है, इसका मतलब जो ब्राउनी है वो बिल्कुल परफेक्ट बेक हुई है। तो अभी इससे ज़्यादा इसको बेक नहीं करेंगे। लगभग 2 से 3 जगह पर मैंने अच्छे से चेक किया है ब्राउनी को कि ये सभी जगह से अच्छे से बेक हुई है या नहीं। तो अब इसे लगभग 15 से 20 मिनट तक ठंडा होने देंगे। ब्राउनी थोड़ी सी ठंडी हो गई है, पूरी तरह से भी ठंडी नहीं हुई है। यह आपके टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको गरम गरम ब्राउनी अच्छी लगती है या फिर ठंडी करने के बाद। ये जो ब्राउनी है वो ऊपर से थोड़ी सी क्रंची टेस्ट देगी और अंदर सॉफ्ट है, बहुत ही चॉकलेटी बनी है, बहुत ही मॉइस्ट है अंदर से। इसे सर्व करने के कई तरीके हैं, या तो आप ब्राउनी के ऊपर ऐसे ही चॉकलेट सॉस डालकर इसे सर्व कर सकते हैं, या फिर आप इसके ऊपर आइसक्रीम और चॉकलेट सॉस डालकर बहुत ही परफेक्ट डेजर्ट बना सकते हैं। और भी जो आपके पास इनोवेटिव आइडियाज़ हैं इसको सर्व करने के लिए, आप मुझे बताएं कॉमेंट बॉक्स में। अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।